आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जिला अस्पताल परिसर में बने मोर्चरी हाउस के पीछे कूड़े में अनेक जीवन रक्षक दवाइयां बड़े पैमाने पर फेंकी हुई पाई गई, जिसमें कुछ दवाएं 2022 में हुई एक्सपायर दवाएं, कुछ दवाएं जुलाई और अगस्त माह 2023 में एक्सपायर होंगी। जब स्थानीय मीडिया कर्मी ने जब इस मसले को उठाया तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री यूपी के जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की दवा सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में भेजी जाती है, जिससे मरीजों को समय पर इसे मिल सके और लोग इसका लाभ ले सके। लेकिन सरकारी अस्पताल में तैनात कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है और ना ही जनता से कोई सरोकार है। सरकारी अस्पताल व डिस्पेंसरियों में ज्यादातर गरीब लोग इलाज के लिए जाते हैं, जहां ये दवाइयां उन्हें मुफ्त में मिलनी चाहिए, लेकिन गरीब जनता तक दवाइयां बहुत ही कम पहुंचती है। ऐसे में अस्पताल के डॉक्टर दवा ना होने की बात कहकर बाहर की कमी से युक्त दवा लिखते हैं। बाहर की दवा लिखने से डॉक्टर की जेब गर्म होने के साथ साथ मेडिकल हॉल और बीच के दलालों की जेबें गर्म होती हैं और उनका बैंक बैलेंस बढ़ता है और गरीब जनता दिन दहाड़े लूटती रहती है। सरकार द्वारा अस्पतालों को दी जाने वाली दवाएं बिना एक्सपायरी बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के दावों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इलाज हेतु आने वाले जरूरतमंद मरीजों को दिए जाने के लिए 104 तरह की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं। इस प्रकरण पर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर जिला अस्पताल का है, इसकी जिम्मेदारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की होती है, पर इस मामले में जांच कर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक रीता दुबे ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर जो भी दोषी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए शासन को लेटर भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जिला मंडली अस्पताल में किस प्रकार की कार्यवाही प्रशासन द्वारा कर्मचारियों पर की जाती है। मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में मोर्चरी हाउस के पीछे मरीजों को दी जाने वाली दवाइयां कूड़े के ढेर में फेंकी गई हैं, जो एक्सपायरी भी हैं और कुछ एक्सपायरी होने वाली हैं। अभी मेरे संज्ञान में आया है कि ये बात सही है, तो इसके लिए जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा मिलेगी और उसके कार्रवाई होगी। जो दवाएं अभी एक्सपायरी नहीं हुई हैं, जो मरीजों को दी जा सकती हैं, उसे भी फेंका गया है, उसके लिए भी हम कार्रवाई करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए शासन में लिखा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, शासन से आदेश लिया जाएगा कि इनके लिए कार्रवाई की जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।